हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कुछ घंटों में शो होने वाली है फाइनल मंडे नाइट रो बिफोर बैकलैश प्रीमियम लाइव इवेंट, और यह शो काफी स्पेशल होने वाला है क्योंकि इसमें हमको WWE ड्राफ्ट की नाइट 2 भी देखने को मिलने वाली है। इस ड्राफ्ट के बारे में बात करें तो अगर फर्स्ट पिक स्मैकडाउन की होने वाली है तो मेरे हिसाब से वो चूज करने वाले हैं द करंट यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियन ऑस्टिन थ्योरी को, क्योंकि हमने लास्ट स्मैकडाउन पर देखा कि गुंथर और पूरी इंपीरियम की टीम रो पर आ गई है, तो एक मिडिल कार्ड चैंपियन तो स्मैकडाउन पर भी डेफिनेटली हमको देख मिलेगा। वैसे स्मैकडाउन को द करंट स्मैकडाउन वुमेंस चैंपियन रिया रिपली को पिक करना चाहिए, लेकिन प्रियंका बेलेयर ऑलरेडी ही स्मैकडाउन चूज कर चुकी है, तो मेरे हिसाब से रिया रिपली और बाकी पूरी जजमेंट डे की टीम हमको मंडे नाइट रो पर ही देखने को मिलेगी। और अगर फर्स्ट पिक इस बार मंडे नाइट रो की होने वाली है तो वो डेफिनेटली चूज करने वाले हैं द विजनरी सेथ फ्रिकिन रॉलिंस को। इसके अलावा WWE ने कंफर्म कर दिया है कि इस वीक हमको द बीस्ट ब्रॉक लेसनर रिटर्न करते हुए नजर आएंगे, तो कोडी रोड्स और ब्रॉक लेसनर की स्टोरी लाइन भी इस रो पर कंटिन्यू रहने वाली है, और फिर से ब्रॉक लेसनर अटैक कर सकते हैं कोडी रोड्स पर, और मेरे हिसाब से बैकलैश में होने वाले इस मैच में भी ब्रॉक लेसनर ही हमको जीतते हुए नजर आएंगे। WWE ड्राफ्ट के नाइट 2 की सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ है कि दी उसोज हमको किस ब्रांड पर ड्राफ्ट होते नजर आते हैं, क्योंकि स्मैकडाउन पर उनका ड्राफ्ट नहीं हुआ था। मेरे हिसाब से उसोज मंडे नाइट रो पर ड्राफ्ट हो सकते हैं और फाइनली वो ब्लड लाइन से अलग हो जाएंगे। और बात करें केविन ओवेंस एंड सेमी ज़ेन की, तो वो भी उसोज के साथ मंडे नाइट रो पर ही ड्राफ्ट होने वाले हैं, क्योंकि आगे हमको सेमी ज़ेन एंड ज़ेउस की स्टोरी लाइन कंटिन्यू देखने को मिलेगी। इसके बाद हमें इस शो पर नजर आ सकते हैं द स्कॉटिश वॉरियर ड्रू मैकइंटायर, क्योंकि लास्ट स्मैकडाउन पर मंडे नाइट रो ने उन्हें चूज कर लिया है, तो फाइनली हमें वो इस शो पर रिटर्न करते हुए नजर आ सकते हैं। और इसके बाद हमें इस शो पर सेथ फ्रिकिन रॉलिंस एंड ओमोस की स्टोरी लाइन भी कंटिन्यू देखने को मिलने वाली है। इस शो पर इन दोनों सुपरस्टार्स के बीच कोई ब्रोल देखने को मिल सकती है जहां पर ओमोस को अपर हैंड मिल सकता है। बात करें हम ओमोस के ड्राफ्ट की, तो स्मैकडाउन के बाद WWE ने ओमोस को फ्री एजेंट बना दिया है। इस शो के मैचेस की बात करें तो अभी तक इस शो के लिए कोई मैच अनाउंस नहीं है, लेकिन रिपोर्ट्स के अनुसार इस शो पर हमको एक चैंपियनशिप ओपन चैलेंज देखने को मिलेगा, और मेरे हिसाब से वो हमको देखने को मिलने वाला है रो में चैंपियनशिप ओपन चैलेंज, जहां प्रियंका बेलेयर ओपन चैलेंज देने वाली हैं और उनके चैलेंज को एक्सेप्ट कर सकती हैं ट्रिश स्टेटस। लेकिन कोई भी सुपरस्टार उनके चैलेंज को एक्सेप्ट करे इस रो पर तो अपना टाइटल रिटेन करने वाली है प्रियंका बेलेयर, क्योंकि बैकलैश में उनका एक सिंगल्स मैच होने वाला है स्काई से। सो गाइस, इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।